नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खटीमा में कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ गंभीर, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आईसीयू में भर्ती। खटीमा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। एम्बुलेंस से मरीज के आते ही मरीज का फीवर, पल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद रही। तत्काल कोरोना की जांच की गई। रिपोर्ट आने तक मरीज को फर्स्ट फ्लोर में भर्ती कर लिया गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑक्सीजन चढ़ाई गई है। जिस मरीज का ऑक्सीजन लेवल 80 से भी कम था, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। तो वहीं हाईली डोज का एंटीबायोटिक भी शुरू कर दिया गया है। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। पूरी संभावना की यहाँ पर इफेक्ट है। एहतियात के तौर पर एक मॉकड्रिल किया गया है। इसमें हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर वार्ड्स हैं जो डेडिकेटेड हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही जो हमारे वेंटिलेटर्स वगैरह है वो सब फंक्शनल कंडीशंस में, सारी हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। थोड़ी सी स्टाफ की कमी है, जिसको हम जिलाधिकारी महोदय को बता देंगे कि हमारे दो एम्बुलेंसेस तीन हैं लेकिन ड्राइवर सिर्फ एक ही है। तो उसमें हम जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे पास PRD के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमें ड्राइवर्स यहाँ मिल जाए। और थोड़ा पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी कमी है, तो उस पर भी हम DM साहब के संज्ञान में लाएंगे ताकि हमारी पूरी प्रिपेयरनेस करें कोविड को फाइट करें। बिल्कुल, हम पूरी तैयारी में हैं क्योंकि चाइना के थ्रू नेपाल के थ्रू यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है तो काफ़ी संवेदनशील है, तो इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। और आज हमारे यहाँ मॉकड्रिल किया गया है, इसमें हमारी सारी तैयारियाँ हमने देख ली हैं। हमारे यहाँ पर ICU वार्ड भी फंक्शनल है, वेंटिलेटर्स हैं, वार्ड सब सैचुरेटेड हैं और मतलब बिल्कुल सेक्लूडेड हैं और अदर OPDs से। तो सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तो हम आशा करते हैं कि कोई भी ऐसा हमारा आउटब्रेक होता है यहाँ पर तो हम उसको संभालने की स्थिति में रहेंगे। COVID-19 के केसेस चूँकि बढ़ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो संभावित चौथे लहर की संभावना जाहिर करते हुए SOP जारी की गई है, जिसके अनुसार हम लोगों को आज मॉकड्रिल करना था, पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इस मॉकड्रिल में हमें जितने भी COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनको उनके लिए अपने अस्पताल की तैयारियों का जायज़ा लेना है, क्या क्या कमियां आती हैं उन सबको दूर करना है समय रहते हुए, ताकि जब कोविड के पेशेंट्स आए हमारे पास भर्ती होने के लिए तो उनके इलाज में कोई कमी ना हो पाए। इस क्रम में SDM साहब और ACMO साहब के द्वारा भी मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया गया है। उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि 50 बेड का हमारा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है ये, तो इसमें 50 मरीज एक साथ कोविड के भर्ती किए जा सकते हैं। किच्छा में कूड़े के कारण स्कूल बन रहा बीमारियों का घर। जिलाधिकारी से लेकर उपजिलाधिकारी किच्छा और नगर पालिका से की जा चुकी है शिकायत। किच्छा के वार्ड 16 टीचर्स कॉलोनी स्थित राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट पर पिछले कई सालों से नगर पालिका और आसपास के लोगों द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है, जिस कारण विद्यालय शिक्षा का मंदिर की जगह बीमारियों का घर बन चुका है। स्कूल में आने वाले बच्चों, शिक्षक और स्कूल के आसपास रहने वाले लोग इस कूड़े से बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों का तो इतना भी कहना है कि कूड़े और से आने वाली गंदगी और बदबू से मिड डे मील से मिलने वाला खाना रोजाना खाना पड़ता है, जो कि बच्चों में बीमारी होने का कारण बना हुआ है। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। मेरा नाम मुलाजिम, कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय है। समस्या ये है कि बाहर सभी लोग कूड़ा फेंकते हैं और इससे हमें दिक्कत आती है। यहाँ पर हम खाना खाते हैं तब भी इस स्माइल से अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ताकि क्लास में भी जब हम जाते हैं हाथ धो के जाते हैं, बढ़िया सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निवेदन इस प्रकार है कि यहाँ पर कूड़ा सभी लोग फेंक देते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, बदबू आती है, ये भी बीमारियाँ हैं। इसलिए निवेदन है कि यहाँ कूड़ा ना फेंका। जैसे विद्यालय में आते हैं तो जो हमारे मैम कहती हैं कि बाहर से आओ विद्यालय से, तो अंदर क्लास में हाथ धो के जाओ, लेकिन हम अंदर क्लास में हाथ धो के तो जाते हैं, लेकिन जो बाहर से कूड़ा आता है हमारे जूतों में वो क्लास में जाता है, और क्लास में गंदगी होने के कारण हमें कुछ बीमारी भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो बाहर कूड़ा है वो यहाँ पर ना फेंका जाए। हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर, आपसे निवेदन है कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंका जाए।
6 से इस विद्यालय में हूँ और तब से देख रही हूँ। पहले तो इतना कूड़ा नहीं था, लेकिन अब गेट के बाहर कूड़ा पड़ा है। जबकि हम स्कूलों में इस कूड़े के लिए हमने जगह जगह पर कूड़ेदान भी रखे हैं, बच्चों को सफाई के लिए बताते रहते हैं, लेकिन बाहर जो गेट पर कूड़ा पड़ा है हम न तो क्लासों में पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। वही गंदगी लेके वो स्कूल में आते हैं। कोविड जैसी इस समय महामारी फैली हुई है, इसके कारण भी हम बच्चों को इतनी मतलब मास्क पहन के भी आते हैं, लेकिन बाहर लोगों से भी कितने बार कह दिया और कितने बार मैंने जिला अधिकारी, SDM साहब, नगर पालिका से तो मैं बार बार मौखिक तो कहती रहती हूँ, लेकिन 2 बार मैंने स्पीड पोस्ट तक करके जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में किसी ने कोई कुछ नहीं लिया। और यहाँ तक कि वार्ड मेंबर से भी मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। और स्कूलों में सफाई, और जबकि स्कूल में कूड़ा होता है ये बच्चे बाहर फेंकने जाते हैं तो उनको ये लोग डांटते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर कूड़ा मत फेंको, उनसे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये विद्यालय में इसका गलत असर पड़ रहा है, समाज पर भी, यहाँ पर दुकानें हैं, लोग हैं, सब पर इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस बीमारी को, कोविड को देखते हुए यहाँ तरह तरह की बीमारियां बच्चों को हो रही हैं, लेकिन इसको ध्यान में रहते हैं, इसको कूड़ा निस्तारण करने के लिए कहीं दूसरी जगह, अगर उपयुक्त जगह पर कूड़ा फेंका जाए। जसपुर में पशु वधशाला को लेकर हुआ विरोध, उप जिलाधिकारी जसपुर को सौंपा गया ज्ञापन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव रामनगर वन से है, जहां पशु वधशाला खोलने को लेकर 30 अक्टूबर 2022 में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र लिखा गया था, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं आज निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इस बात का विरोध किया। वहीं ग्रामीणों ने आज उप जिलाधिकारी जसपुर को पशु वधशाला न खोले जाने को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आवेदन आया है स्लॉटर हाउस को बनाने के लिए, उसमें आज एक संयुक्त निरीक्षण होना था, क्योंकि आज जिला, ये पूरे स्टेट में मॉक ड्रिल भी चल रही है, तो उस कारण से इसे थोड़ा सा निरस्त करना पड़ा, क्योंकि कुछ टीम इसमें जो हॉस्पिटल से भी आनी थी तो उनके लगातार उसमें मॉक ड्रिल का चल रहा था, तो इस कारण से ये कैंसिल किया गया। तो इसी को लेके ग्रामीण जो थे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पशु वधशाला यहाँ पर ना खुले। हम लोग खड़े हैं, ये प्रस्तावित वो स्थान है जहाँ पर बूचड़खाने का योजना बनाने की है, तो पहले भी यहाँ ये विषय आया था, आज फिर एक जांच टीम यहाँ आने वाली थी। तो मैं ये बता दूँ कि ये हिंदू बाल्य क्षेत्र है, स्कूल पास में है, मंदिर भी पास में है, और दोनों गांव जो बिल्कुल निकट हैं, आधा किलोमीटर की दूरी में है, वो हिंदू बाल्य क्षेत्र हैं। और इससे पूरे क्षेत्र की जनता, कोई एक जाति नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता आहत है, जनता में आक्रोश है, और मैं पुरजोर तरीके से प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी कार्य इस क्षेत्र में न होने पाए, इससे शांति भंग होने का खतरा है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 10 अक्टूबर 2022 में एक DM महोदय, DM साहब को जमशीदा बेगम द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया, एप्लीकेशन दी गई थी यहाँ पे सिलेक्टर हाउस खोलने के, उसमें जो कि हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, तो उस समय ये जांच रुक गई थी। कल महोदय SDM महोदय द्वारा एक लेटर जारी हुआ कि यहाँ का एक टीम गठित करके इसका निरीक्षण कराया जा रहा है, इसलिए हम सुबह ही सब जने यहाँ पे, गांव के लोग और हमारे साथ रवि कश्यप जी, अजय भाई, सब जने इकट्ठे होके, चौबे जी वगैरह सब बजरंग दल इकट्ठे होकर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों द्वारा वो सर्वे कैंसिल कर दिया गया। हमारी मांग यह है कि ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हम किसी भी स्थिति में सिलेक्टर हाउस नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े जाए, चाहे इसके लिए हमें कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े जाए। सरकार से और प्रशासन से कि अगर हमारे बिना अनुमति के यहाँ पे इसका निरीक्षण किया गया, तो उसके आगे जो भी कार्रवाई हम करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदार प्रशासन स्वयं खुद होगा। सुल्तानपुर पट्टी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने किया COVID-19 को लेकर मॉक ड्रिल, हर मरीज को गंभीरता से देखने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर पट्टी में आज अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खालिद यूनिस लोन के नेतृत्व में COVID-19 मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एक मरीज जिसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी उसको एम्बुलेंस द्वारा लाया गया, मरीज की जांचें की गई, SOPG कम होने पर ऑक्सीजन दिया गया है।
सुल्तानपुर पट्टी से ज्योति स्वरूप अग्रवाल की रिपोर्ट। कोविड महामारी आ रही है, उसके लिए हमने एक मॉक ड्रिल रखा है, हालांकि पूरे जिले में है तो हमें भी करना था एक मॉक ड्रिल। जैसे कि कोई मरीज आ गया, सांस फूल रही उसको, फिर हमने उसको पीपी किट पहना दी अपने जो वार्ड बॉय है उसको, ताकि जो कीटाणु वो लगे ना, फिर आराम से व्हील चेयर पर बिठा के अंदर लाए, बेड पर उनको लिटाया, उनकी छाती वाती देख ली, टेस्ट कर लिया वगैरह सब, उसके बाद ऑक्सीजन लगाई उनको, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखा कितना है, कम है तो लगा देंगे, फिर इंजेक्शन वगैरह उनका पूरा ट्रीटमेंट कर दिया यहाँ पे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।